अस्सलामुअलैकुम लोग, जो एक और क्लास के साथ मैं हसन रज़ा। अच्छा, आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड डू फॉलो कमेंट लव एंड कीवर्ड लव ब्लॉग्स फॉर कमेंटिंग। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि डू फॉलो कमेंट ब्लॉग का क्या फ़ायदा है, इसका मतलब क्या है। डू फॉलो कमेंट ब्लॉग वो होते हैं जिन पे हम अपने ब्लॉग के लिंक कमेंट में दे सकते हैं, वो स्पैम भी नहीं जाते, डिलीट भी नहीं करते। इसका ना फ़ायदा ये होता है कि जब कोई विजिटर उनके ब्लॉग पर जाता है तो वह आपकी पोस्ट वहाँ पे देखता है, लिंक चूँकि आपने दिया होता है तो आपकी पोस्ट का लिंक वहाँ पे शो हो रहा होता है, तो उसे क्लिक करके वो आपके ब्लॉग पे आ जाता है। और अगर उसे पसंद आ जाए तो फिर आपको पता है कि अलेक्सा रैंक भी अच्छा होगा और गूगल पेज रैंक भी अच्छा हो जाएगा। डू फॉलो कमेंट लव बहुत ज़रूरी है बैक लिंक्स हासिल करने के लिए। बैक लिंक्स यही है कि मसलन मेरे ये ब्लॉग है और इसका जो लिंक देख सकते हैं पोस्ट का डिफरेंट जो है वो लिंक होता है, और जहाँ कमेंट जो हमारे आम लोग होते हैं ये नो फॉलो है। इस पर अगर कोई करता है तो हमारी मर्ज़ी, हम उसे रखें या फिर डिलीट कर दें। तो जब हम किसी और के ब्लॉग पे कमेंट करते हैं तो उससे हमें बैक लिंक्स मिलते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डू फॉलो कमेंट लव ब्लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना काम करते हैं। आपको वेबसाइट खोलनी है give my link सॉरी आप यहाँ भी लिख सकते हैं पुट माई लिंक, ठीक है जी। आपको गूगल पे सर्च करना है पुट माई लिंक, यहाँ पे पुट माई लिंक आ जाएगा तो आपको इसे क्लिक करना है। मेरे आर्टिकल में आपको एक दूसरी साइट मिलेगी तो आप उससे भी कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स का काम नहीं किए तो इस वक्त मेरे जहन में पुट माई लिंक आई तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपने ब्लॉग का कीवर्ड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है जो आपके लिए भी डू फॉलो कमेंट लव जो है ब्लॉग सर्च करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने ब्लॉग के रिलेटेड जिस टाइप पे आपने ब्लॉग बनाया है वहाँ आपने ये कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा ब्लॉग है, मैं आपको इसमें ब्लॉगिंग और SEO की टिप्स देता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा ब्लॉगर टिप्स। और अगर आपका मूवी का है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेटेस्ट मूवीज, तो एक कीवर्ड है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कमेंट करना चाहते हैं, रिलेटेड होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फाइंड वाले सेशन में आपने करना है कीवर्ड लव ब्लॉग, ठीक है जी। आपने कीवर्ड लव ब्लॉग पे क्लिक करना है और सर्च पे कर देना है। ये आपको गूगल पे ले जाएगा, एक नया टैब ओपन होगा जहाँ आप देख सकते हैं ब्लॉगर टिप्स, एंटर योर नेम एट योर कीवर्ड्स। जिस जिस ब्लॉग के अंदर आपको ये लाइन नज़र आ रही है एंटर योर नेम एट योर कीवर्ड्स डॉट कॉम, तो समझ लीजिए कि आप इन ब्लॉग्स में जाकर जो है कर सकते हैं। अब मैंने एक वेबसाइट पे क्लिक कर दिया है, इससे मैं ओपन करूँगा, ठीक है। आपको कमेंट करने का तरीका भी बता देता हूँ कि इसे कमेंट कैसे करना है। तो बिल्कुल इस वेबसाइट के एंड पे जाएंगे जहाँ पे कमेंट का आपको कहा जाएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप ये कमेंट्स बिल्कुल एंड पे ये रहा। अब देखिए स्पीक योर माइंड, यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, यहाँ आप अपना ईमेल दे दीजिए और यहाँ आप अपने ब्लॉग का लिंक दे दीजिए। जैसे मैंने दे दिया itisbedoclick786.blogspot.com, यहाँ आप अपनी मर्जी का कुछ भी दे दीजिए, जैसे क्या कहिए वेरी नाइस आर्टिकल
thanks for hosting. Keep it up. तो ये जस्ट मैंने सिंपल लिखा है, आप पोस्ट के रिलेटेड ही कुछ अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, वरना वो आपको डिलीट भी कर सकता है। तो आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं, वरना आप उसको रहने दे और कमेंट कर दे, बस आपका काम ख़त्म हो गया। तो ये आपका कमेंट या तो चला जाएगा कि वो इसको खुद पहले ओपन करके देखेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा साइट्स पर आप कमेंट करेंगे उतने अच्छे आपको बैक लिंक्स मिलेंगे। वैसे पहले आप इनका देख लेंगे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया कि योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन, तो इसका एडमिन जो होगा वो खुद करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप डेली 10 से 15 ब्लॉग्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।